ये रेमिंगटन की राइफ़ल हमारे पास 2 महीने पहले आई थी। इन्होंने हमारे वीडियोस वगैरह देखे तो उन्हें काम पसंद आया, तो हमारे पास ये राइफ़ल लेके आए। अब मैं इसमें कुछ फ़ोटो डाल रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे जो इसमें काम हुआ है या काम होते हुए कि मैंने फ़ोटो बनाए थे, तो वो आप देखें। इसमें अखरोट की लकड़ी लगाई गई थी और ग्रिप कैप था आगे का, ये उसका ब्रास का आगे क्रॉस बोर्ड लगाया गया है। बाकी जानकारी मैंने पूरी वीडियो में दी है, तो वीडियो को आखिर तक देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज वीडियो में लाए हम रेमिंगटन की 30.06 की राइफ़ल। तो ये हमारे पास चित्रकूट से बनने के लिए आई थी। इसके अंदर इसमें ये स्टॉक बनना था और इसकी बैरल पे ब्लू होनी थी। तो इसका बर्ड उन्होंने ख़ास तौर पे अपने हाइट के हिसाब से बनवाया था, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोटा बनाया गया है आम बटों से। तो आप ये देखें, इसमें अखरोट की लकड़ी यूज़ करी गई है और इसकी चेकरिंग हमारे और स्टॉक से आप देखेंगे थोड़ा सा अलग टाइप की है इसकी चेकरिंग, इसकी फोरहैंड की चेकरिंग। और इसमें हमने ये क्रॉस बोल्ट डाला है, इस क्रॉस बोल्ट से राइफ़ल का बट की लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पार होती है दोनों तरफ, ये इधर से यहाँ तक पार होती है और ऊपर से हमने इसके ब्रास लगाया है और इसको इंग्रेविंग करी है। राइफ़ल बिल्कुल एकदम क्लासिक लग रही है, ये देखें। इस बर्ड पे पूरे पे हैंड फिनिशिंग पॉलिश करी गई है, मतलब इसमें काफ़ी टाइम लगता है इस पॉलिश में, मगर ये मैंने काफ़ी इसमें मेहनत करी और इसमें करीब 2 महीने से ऊपर हो गए राइफ़ल को पूरे इसका स्टॉक बनने को। और ग्लूइंग में तो इतना टाइम नहीं लगता जितना स्टॉक बन के उसके पॉलिश होने में लगता है। ये ग्रिप कैप लगाया है, ये मेटल का ग्रिप कैप है, ये भी हमारे यहाँ बनता है। तो ये रेमिंगटन एक्सप्रेस मॉडल की राइफ़ल है। अब इसमें थोड़ा सा सिस्टम समझा दूँ मैं आपको। इससे जैसे जैसे अपनी 30 की राइफ़ल होती है उसमें यहाँ मैगजीन लगती है, इसमें मैगजीन ना लग के इसमें ऐसे करके कारतूस ऊपर से भरे जाते हैं और 4+1 होती है इसमें, मतलब 4 कारतूस इसके अंदर चले जाते हैं और इसको ये ऐसे करके लोड हो जाती है। और ये इसका सेफ्टी लॉक है, सेफ्टी लॉक लगा देते हैं तो ये लॉक हो जाती है। तो जैसे बहुत से लोग ने सिर्फ इंडियन राइफ़ल देखी हैं तो उनमें थोड़ा सा फ़र्क, और थोड़ा सा इसका ये देखिए, ये इसका नॉब वॉब थोड़ा सा अच्छा बना हुआ होता है। जो हमारी इंडियन राइफ़ल है उन्होंने बहुत ही ख़राब नॉब जो है उसमें, मतलब स्पून हैंडल भी ना बना कर देखें किस तरीके का बनाया है। आप हमारी वीडियो में देखिएगा, हमने उसको थोड़ा सा बोल्ट में मॉडिफिकेशन करी है। देखिए ये कितनी शानदार राइफ़ल लग रही है। अब मैं इस वीडियो में छोटी सी एक संदेश ऑर्डनर फैक्ट्री को देना चाहता हूँ। जब ये राइफ़ल यूएसए की है या और फॉरेन कंट्रीज़ की राइफ़ल्स होती हैं तो वो कितनी अच्छा शेप बनाते हैं, मटेरियल कितना अच्छा लगाते हैं। इंडियन ऑर्डनर्स की राइफ़ल 1.5 लाख रुपये से ऊपर की 30.06 बिक रही है, उसमें कस्टमर को कुछ भी नहीं मिल रहा, ना तो उस पर ब्लूइंग मिल रही, ना ही बट पर चेकरिंग और बट का शेप भी अच्छा नहीं मिल रहा, ना ही उससे पॉलिश मिल रही। तो आप लोग भी कुछ सोचें और कंपनी से भी अच्छी राइफ़ल बना के दें। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।